इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। बुवाड़ा में गुरुवार को टंकी में विषाक्त मिलने के बाद इसकी सप्लाई रोक दी गई। वहीं आज करीब 5 लाख लीटर पानी सड़कों पर बहा दिया गया। देर शाम तक इस टंकी को भरने के बाद शनिवार सुबह से इस इलाके में सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी। बेमौसम सड़कों पर बहता पानी को देखकर बच्चे भी आज मस्ती करते हुए दिखाई दिए। यहाँ के पंप ऑपरेटर गणेश डांगी का कहना है कि भविष्य में इस तरह के घटनाक्रम को रोकने के लिए खेड़ा देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर गेट लगाया जाना चाहिए। वहीं टंकी के पास अंधेरा रहता है, इसके लिए लाइट भी व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी तरह के घटनाक्रम का पता लग सके। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम का सबसे पहले यहाँ की स्थानीय महिला द्वारा बताया गया था और उसके बाद ये मामला सामने आया। कल मीडिया पे खबर चली थी कि पानी में केमिकल मिला दिया है, इसको लेकर बताएं सर। कल ये मीडिया पर खबर चली थी कि कुछ लोग टंकी पे चढ़ते और टंकी में केमिकल मिला दिए, तो उस सिलसिले में हम लोग वहाँ पर टंकी पर गए थे, देखा था, सर्वे किया था, साथ में लैब के लोगों को भी लेके गए थे, वहाँ से सैंपल इकट्ठा किया और लैब में उसकी टेस्टिंग कराई। शाम को उसकी रिपोर्ट आई और उसमें कुछ ऐसा कोई असामान्य स्थिति नहीं दिखी थी, सब कुछ सामान्य था। फिर भी एहतियात के तौर पर, चूँकि अभी और हमारे ये नवंबर में टंकी की सफाई ड्यू भी हो रही थी, तो उसको सफाई करा के और आज वापस उसको भर के और शाम तक सप्लाई कर देंगे। ऐसी कोई असामान्य स्थिति नहीं थी और चूँकि ये खबर चल रही थी तो हमें सजग रह के और इसको साफ सफाई कराना और जो पुराना पानी था उसको, चूँकि पब्लिक उसको स्वीकार भी नहीं करती, तो उसको हमने पानी को वॉश आउट करके और फिर फ्रेश पानी दिया, भर दिया और अब शाम को सप्लाई करेंगे। और पब्लिक से मेरी अपील भी है कि पानी में ऐसी कहीं कोई बात नहीं है और जलापूर्ति के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे रेलिंग का और गेट का काम करवाना था, तो काफी समय से परेशान था कि अच्छी सर्विस कहीं प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, बिफोर यू करके एक एप्लीकेशन है, पे मैंने रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट करी, उन्होंने कॉल किया कि सर आप क्या काम करवाना है। फिर मैंने उनको बताया कि आयरन स्टील का काम करवाना है। उन्होंने मुझे विदिन 5 घंटे में उन्होंने मुझे सर्विस प्रोवाइड करवाई और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करी उन्होंने, और आज मेरा काम यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा काम किया है। आपको इलेक्ट्रिशियन ढूंढना पड़ता है, प्लम्बर ढूंढना पड़ता है, जो 5-5 दिन उनको टाइम नहीं होता है, आपको वो 5 घंटे या ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 8 घंटे में आपका काम कंप्लीट हो गया और आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि सर की प्रॉब्लम कैसे ही थोड़ी देर में सॉल्व हो गई। आज मैं आपको एक कंपनी से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिसका नाम है V4U। आयरन एंड स्टील वर्कर्स के साथ साथ कंपनी प्लम्बर, पेंटर्स, कारपेंटर्स, लेबर्स, इलेक्ट्रिशियन प्रोवाइड कराती है। कुछ ऐसे ही सर्विसेज कंपनी में फ्यूचर में और एड ऑन होने वाली है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जाइए www.v4u.in या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए V4U app now।